हेलो दर्शक बंधु, लो मैं फिर से आ गया कोयल नदी में, क्योंकि दो दिन से बारिश हो रहा है, पूरा जोरदार बारिश हुआ है, तो नदी पूरा लबालब भरा हुआ है। तो वो वाला सीन आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले नीचे जाके उसके बाद हम लोग रेल ब्रिज में ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्त, पानी पूरा लबालब भरा हुआ है, ऊपर जाएंगे तो पूरा एकदम विशाल एरिया दिखेगा ना, पानी से भरा हुआ, तब बढ़िया लगेगा, नीचे से उतना अच्छा नहीं लगेगा। प्रकार का है पूरा पानी, और इधर है रेल का ब्रिज, इधर ये है पुराना ब्रिज, ये वाला नया ब्रिज है। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर से विशाल नज़ारा। ये लो भाई, मैं ऊपर आ गया, इधर राउरकेला से ट्रेन, इधर रांची, और ये कोयल नदी का बोर्ड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मौसम आज भी पूरा बारिश का बना हुआ है, उतना अच्छा मौसम नहीं है, हवा पूरा जोर से चल रहा है। तो चलिए हम लोग, आप लोग को नज़ारा दिखाता हूँ पानी का। देखिए ऊपर साइड पूरा विशाल एरिया पानी, ये वाला एरिया बीच में टापू है, पानी का दो धारा है यहाँ पर, दो धारा भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो पड़ा नहीं है यहाँ का दो धारा नाम। एक बंधु मछली फंसाने के लिए आया है, पता नहीं मछली कैसे फंसाएगा इतना बाढ़ में। इधर पूरा पेड़ सब पूरा डूब गया है भाई एकदम, और नीचे भी पूरा इधर पेड़ सब डूब रहा है। और थोड़ा आगे चलते हैं, अभी दो दो ट्रेन पार हो गया, एक ट्रेन तो हॉर्न मारा था वो सुनाई दिया था, लेकिन दूसरा ट्रेन का हमको पता ही नहीं चला था, हालांकि मैं नीचे था उस समय, नीचे थे तो पानी का शोर इतना जोर से सुनाई नहीं दे रहा था, ऊपर आ गए तो पूरा भयंकर कान में लग रहा भाई, पानी का शोर इतना जोर से गिर रहा है ना, पत्थर में इतना जोर से टकराता है ना, इतना ज़्यादा पत्थर है ना ये वाला नदी में कि पानी का शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम पूरा ज़बरदस्त था भाई। सामने से देखोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा भाई, ये सब नज़ारा जो है ना, पानी को देखते देखते चक्कर आ रहा है, सब पूरा डूब गया, ये सब नदी में पानी बढ़ते जा रहा है दोस्त, पूरा कचरा उठा के ला रहा है। अगर कोई दोस्त मिल गया तो हम चल जाएंगे बाघमुंडा, ठीक है ना, बाघमुंडा का भी आप लोग दिखा दो। इधर सब बाप रे, इधर का शोर तो और जोरदार है भाई, इधर तो और भयंकर आवाज कर रहा है, मजा आ जाएगा भाई, एकदम फुल मजा आ रहा भाई, इतना शोर कान में गूंज रहा है ना कहना ही नहीं। दोस्तों पानी का शोर इतना जोर है कि हो सकता है मेरा आवाज भी आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा, पूरा भयंकर है पानी का शोर, आप लोग देखिए भाई, एक्साइटमेंट में ज्यादा होश नहीं खो देना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो पटरी है ना इसमें चलना बहुत मुश्किल है भाई, पानी का शोर इतना ज्यादा है, हवा इतना जोर से चल रहा है तो हॉर्न सुनाई नहीं देता, जब पहुंच जाता है ना तब जाके पता चलता है कि साला ट्रेन आ रही है, इसलिए बड़ी खतरनाक चीज हो। थोड़ा उस पार जाके आते हैं फिर घर चलेंगे, घर हम लोग, ठीक है। तो भाई पिकनिक वगैरह जिसको करना है उसके लिए बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई, अभी तो पानी भरा हुआ है बोल के लबालब है, नहीं तो जब पानी कम हो जाता है तो उला टापू में जा सकते हैं आराम से, और इधर भी बहुत सारा पत्थर उत्थर सब, इधर पिकनिक करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, और इधर नीचे तरफ भी है ना, और इधर जंगल है भाई, लेकिन जंगल में आजकल ना कभी कभार हाथी आ जाता भाई, इसीलिए पता चल जाएगा भाई, आप लोग जब पिकनिक करने के लिए प्लान करोगे ना तो पता तो चल ही जाएगा, है ना। तो अभी तो पिकनिक करने के लिए जगह कुछ है नहीं, खाली इसे देखने के लिए आ सकते हो भाई, अक्टूबर तक में पानी कम हो जाता है, दिसंबर में लोग ज़्यादा पिकनिक आते हैं तब तक पानी पूरा साफ और क्लियर हो जाता भाई, पूरा कम हो जाता पानी एकदम। पहला जनवरी में पूरा यहाँ पर भीड़ भाड़ करने के इरादा है भाई पूरा एकदम, जितने भी लोग देख रहे हो थोड़ा शेयर वर कर दो ताकि ये जगह भी थोड़ा फेमस हो जाए भाई, इतना बढ़िया जगह है भाई, इधर भी तो लोग आने चाहिए ना, क्या बोलते हो। झारखंड में जितना भी बढ़िया बढ़िया जगह है सारे जगह तो घूमने का है भाई, केवल वही दो चार जगह उचित नहीं है भाई, सब जगह घूमो। बड़ा सा नदी है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम बड़ा सा नदी है, इधर यहाँ पर एक ही धारा है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये जो है ना इधर और इधर यहाँ से डिवाइड हो रहा है पूरा एकदम एरिया, तो बड़ा सा एकदम बढ़िया पिकनिक करने के लिए बढ़िया जगह भाई, लेकिन अभी पानी है बस वही न,
नवंबर तक पूरे क्लियर हो जाता भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना। आप लोग का मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए पिकनिक करिए, एंजॉय करिए और फिर चले जाइए और दूसरों को भी बताइए कितना बढ़िया लोकेशन, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है, बाय बाय।